डूबा हुआ धन वापस पाने का सबसे आसान तरीका। यदि आपने भी किसी को उधार में पैसे दिए हैं और आपको लगता है कि वह आपका पैसा लौटाना नहीं चाहता, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको करना केवल इतना है कि रविवार के दिन आपको सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर एकांत में जाकर थोड़े से समय बिताने हैं। वहाँ आपको आवश्यक सामग्री होगी कपूर और कुछ लौंग। लौंग भी उतने मात्रा में चाहिए जितना कि आपने पैसा उधार दिया है। उधार का पैसा हिसाब से आप यह कर सकते हैं, अगर आपका पैसा हजारों में हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, उसके हिसाब से प्रति नग आप लौंग ले लें तथा उस लौंग को कपूर के साथ जला देवें। और कपूर में लौंग डालते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि जिसने आपका पैसा लिया है, जो वापस नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम जाप करते रहें जिसने आपका उधार पैसा लिया है। सावधानी बस इस बात की करनी है कि आपको जब तक पूरी तरह लौंग ना जल जाए तब तक अपना आसन नहीं छोड़ना है, आप वहीं बैठे रहें और तब तक उस व्यक्ति का नाम जाप करते रहें। यह क्रिया रविवार के दिन करनी है, यह भी ध्यान रखें। लौंग पूरी तरह जल जाने पर आप अपना आसन छोड़ सकते हैं। यह क्रिया आपको तब तक करना है जब तक आपका पैसा वापस नहीं मिलता। प्रत्येक रविवार को आप यह क्रिया करते रहें, आपको आपका पैसा अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय श्री राम।